लीडर जो होता है वो इतनी चीजें देख रहा होता है कि वो हर चीज को मिन्यूट लेवल पे नहीं दे सकता, वो अपने टीम की फीडबैक पे ही बहुत सारे फैसले करता है। और जब टीम आपको इंटेंशनली गलत फीडबैक दे रही हो तो फिर गलत फैसले भी तो हो सकते हैं। ये वैसे उनका बहुत पर्सनल मैटर है, लेकिन खान साहब की शादी के हवाले से बहुत बातें की जाती है, मुखालफिन भी करते हैं और आई थॉट कभी पार्टी के अंदर भी ये बातें होती हैं। ये जो अभी वाली शादी है चलती रहेगी या इसमें मामला कुछ खराब हो सकते हैं? अल्लाह हाथ की लकीरें तो ये बता देती हैं। नहीं, मैंने उस क्योंकि उस साइड पे इंसान देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मेरी दुआ कि शादी चलाए रखे, उनका घर आबाद रखे, उनकी बेगम उनके साथ बहुत सिंसियर हैं और बहुत साथ खड़ी हैं हर मुश्किल वक्त में। आपकी एक तस्वीर वो फ्लोर ऑफ द हाउस से बड़ी वायरल हुई, आप साईं उस्मान गुजार का हाथ देख रही थी, तो अब एक दफा तो वो सीएम बन गए, क्या कहीं दूसरी दफा सीएम बनने की लकीर थी या प्राइम मिनिस्टर की लकीर तो नहीं है हाथ में? वैसे हाथ की लाइनें उनकी कमाल है। मैंने मतलब शख्सियत का जो एक इमेज था और जो हाथ की लाइनें थी वो कंपेयर किया, मैंने कभी इतना मुतजाद चीजें, सब शख्सियत का कहते थे सीधा साधा बंदा है, पता ही कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं। हाथ की लकीरें एक इंतहाई ज़हीन आदमी की थी, बड़ा वो कहता नहीं है लाइन और लेंथ देखकर बात करने वाला, ब्रेनी और लकी, लेकिन जज्बाती भी काफ़ी हैं। अच्छा। तो उनसे जज्बाती तौर पे मैंने कहा था कि आप काफ़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन आपका वैसे ब्रेन और लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो उस लक में कहीं दोबारा इक्तदार था? हो सकता, दोबारा हो सकता, ही कैन बी पार्ट ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट। ओके, और वो कहीं आईबीपी के प्लेटफॉर्म से तो नहीं होगा? आई डोंट नो, मेबी। अच्छा, कोई ऐसा मैं कह रहा अब कुछ नहीं कहते, सब कुछ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप ये जिस आपने अभी ऑफ रिकॉर्ड बात करी थी कि ये नॉलेज आपकी फैमिली में और आपके वालिद साहब से आप तक पहुंचा, आपके वालिद साहब ने आपको बता दिया था आपका हाथ देख के कि आप दो दफा असेंबली कंटिन्यूर पूरा करने के बाद पार्टी बदलेगी, इतना एग्जैक्ट? इतना मुझे उन्होंने पार्टी के नहीं कहा, तुम्हारा अदारा चेंज हो जाएगा या काम में, क्या कहा था उन्होंने? वो मुझे उन्होंने कहा चेंज है, 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में ना प्लेटफॉर्म चेंज है टोटल। तो मैंने कहा वो हो नहीं सकता, तो सियासत के अलावा मैंने कुछ किया नहीं, और दूसरा मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं मेरी जिंदगी में ना। तो उनका इल्म, उनका हिसाब इतना एक्यूरेट होता था कि परेशान कर देता था। उन्होंने अपने इंतकाल से 5 दिन पहले, मैं कॉन्फ्रेंस पे गई हुई थी, ही कॉल्ड मी एंड सेड कि बेटा वापस आ जा, कितने गई हैं तू, कितने चली गई हैं, डांट पड़ती थी मगर मैं वैसे ही इधर उधर। तो मैंने कहा अबू मैं कॉन्फ्रेंस में आई हूँ, फिर वापस आ जा। मैं कहा अबू मैं आ जाऊँगी 2 दिन में, कहते नहीं 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 फ़ौरन वापस आ जा, कल ही वापस आ जा। हम पहाड़ों पर थे तो रात को मैं निकल नहीं सकती थी। तो मैं कहा क्या बात है, कहते मेरे पास सिर्फ 5 दिन है। मैं कहा वो क्या बात है, बीमार हो क्या, क्यों कह रहे हो ऐसा? कहते नहीं मेरे पास 5 दिन है, आई नीड यू हेयर विद मी। बस अगले दिन मैं चली गई और पूरे पाँच दिन बोले मुझसे सारी बातें, सारी जिम्मेदारियाँ बहन भाइयों के हवाले से सारी चीज़ें करके, मेरे सुपुर्द करके। मैंने इतने सुकून से कभी किसी को जाते नहीं देखा जैसे मैंने अपने बाप को जाते देखा है। पढ़ते पढ़ते ऐसे टेक लगाया, उधर जुमे के दिन फजर की अजान का अल्लाहू अकबर हुआ है और मेरे अब्बू के दिल हार्ट बीट का ख़त्म हो, टेक लगाया, हमने कहा शायद नींद आ गई है, आराम करने लगे। लेकिन वो बस इतना एक्यूरेट, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब्बू के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से ना हार्डशिप बढ़ गई। अब्बू सामने थे ना तो लगता था हर चीज़ को रोक लेते हैं, अब ऐसे लगता है कि वो एक शील्ड जो थी ना, वो जो ठंडा साया था वो हटी है। लेकिन मैं अब्बू की कब्र पे बहुत रेगुलर जाती हूँ, डेली जाती हूँ, बातें करती हूँ उनसे, ऐसे ही मिलती हूँ जैसे रोज़ मिलती थी। इतनी भी मसरूफियात होती थी, मैंने कभी अपने बाप का, माँ बाप का जो टाइम होता उसको हर लिहाज से निकालती थी, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं मिलते। अभी आपने बहुत से लोगों के ये हाथ देखे, तो ये किसी का ऐसा हाल से देख कर डर लगा हो कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बताते हुए भी डर लगा हो? हाँ, ऐसे बेशुमार हाथ होते हैं। कुछ एक ऐसे करीबी लोग होते हैं जिनका एक बहुत ही करीबी इंसान, अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, जब मैंने हाथ देखा तो जो मुझे नज़र आई है कि वो लाइफ लाइन बहुत छोटी है, उसके लिए मुझे बहुत डर लगा। किसी का हादसे का देखा और फिर वो हो गया, फिर मतलब वो सफरिंग, और बड़ी इसलिए ना अब्बू में जब समझ आती है कि अब्बू हम लोगों के हाथ इस तरह क्यों नहीं देखते थे, अपनी औलाद के नहीं। हाँ, अब्बू भी अवॉइड करते थे और आपके अपने बड़े का। अच्छा, मज़े की बात है, कुछ ऐसे लोग होते हैं आज़म कि आप उनका तसव्वुर ही नहीं कर सकते, उनकी शख्सियत को देहाती सा, सादा सा बंदी या वो
इनका हाथ इतना खतरनाक होता है, मर्डर भी कर सकते हैं वो, तब वैसे भी करेक्टर वाइज भी बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें सामने आती हैं कि आप एक बात है कि अच्छा इंसान धोखा ऐसे ही खाता है कि अंदर की शख्सियत कितनी डिफरेंट है, बज़ाहिर देखने में क्या मुख्तलिफ है। तो किसी कैसा देखा हो जो बज़ाहिर बड़ा आपको माली तौर पे गरीब लग रहा हो लेकिन हाथ बताता हो बहुत पैसा बड़ा गनी होगा, देखा ऐसा कोई? देखा देखा और लोगों की काया पलटती भी देखी है। देखिए आप, हाँ कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है उनके साथ, लेकिन है कि मैं ये समझती हूँ कि गैब का इलम सिर्फ अल्लाह के पास है। अच्छा हम लोग कहते हैं ना ये पॉमिस्ट्री गैब का इलम वगैरह नहीं है, देखिए ये लाइन्स जो है ना अगर मुट्ठी बंद करने के लिए होती ना तो हर इंसान की सेम होती, और ये लाइंस अल्लाह ने बनाई हैं, ठीक है, और ये सब लिखा जो है वो अल्लाह ने लिखा है, हमारी औकात नहीं है कि हम लिख सकें या बता सकें या इसको चेंज कर सकें। यही होता है आपके सामने, अगर आज फ्रेंच बुक पढ़ी हो एक जो लैंग्वेज आपको पढ़नी नहीं आती, आप उसको नहीं रीड कर सकते, आपके लिए वो मिस्ट्री है, आपको अगर वही आप सीख लें और आपको समझ आ जाए तो आप उसको रीड करना शुरू कर दोगे। हम ये इस लाइन को रीड करना सीखते हैं कि ये जो लैंग्वेज है इसको हम समझें कि आप डिकोड करते हैं, ये लैंग्वेज अल्लाह ही की लिखी हुई है। और इसमें ये होता है, मैंने बच्चों के स्कूल्स में कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चियों के हाथ देखे हैं, वो ये नहीं कि मैं उनको कहती हूँ तुम ये बन जाओगी, तुम ये कर लोगी, तुम्हारे आगे ये, मैं फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्रोडिक्शन ऐसी कुछ नहीं करती हूँ, मैं ये देख लेती हूँ। अच्छा कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके हाथ में नज़र आता है कि अल्लाह ना करे वो किसी कमज़ोरी का शिकार हो सकती हैं, किसी गलत लाइन पे जा सकती हैं, ये लव अफेयर में जाके कुछ नुकसान उठा सकती हैं, तो मैं क्या करती थी कि उनकी मेंटली काउंसलिंग शुरू कर देती थी कि बेटा अगर इस तरह का स्टेप ना लेना तुम्हें इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, अपने पेरेंट्स से राय लेना, अपनी मदर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपनी मतलब इस करने से बहुत सारे लोग बच जाते हैं, मैंने बचते देखा है। तो फिर इसका मतलब है कि हाथ की लकीरें बदलती भी हैं? बदलती हैं आपके माइंड सेट के साथ। किसी ने मेरा हाथ देखा था स्टूडेंट के जमाने में, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी शादी तो 6 महीने भी नहीं चलेगी। अच्छा, बड़ी शर्तें लगी थी, मेरे कज़न ही थे पोजाद भाई, वो बहुत अच्छा देखते थे मुझे, उन्होंने जब शादी की मेरी बात चली जब मैं स्टूडेंट थी तो उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा शादी अच्छा, मैंने कहा अच्छा चले, मैं कहा मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, मेरे ख्वाब थे बड़े बड़े, वो बड़े ख्वाब क्या थे, मेरा अपना जू होगा, अच्छा मैं कमाऊंगी, मेरी एक स्पोर्ट्स कार होगी, शाम में अपनी फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर और फिर अपने जानवरों के साथ, अब मैं खूबसूरत सा जंगल सा बना होगा, उसमें मेरा छोटा सा घर होगा जिसमें मैं रहा करूंगी, अच्छा, बेशुमार जानवर मेरे, हाँ मेरे जानवर, आई एम अ वेरी ग्रेट एनिमल लवर। तो वो ये मेरे एम थे, वो दिमाग की लाइन भी ऐसी थी। मैं राणा साहब आ गए, हाँ मैं राणा साहब की एंट्री हो गई, मैं अगर राणा साहब मुझे माफ करना मैं तो वो हाथ देकर उन्होंने कहा 6 माह, हाँ ले, फिर उन्होंने शर्त लगाई मेरी शादी पे, उन्होंने शर्त लगाई कि 6 महीने से ऊपर शादी ये गुजर गई तो ये मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हूँ तुम मेरे नाल कीता है गलत वाला पंगा, मैं भी बटनी हाँ घर पहुँचा के आवाँगी। अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला आज हमारी शादी को 33 साल हो गए।